दोस्तों स्वागत है आपका नवसर इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट एवं अलर्ट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की। तो ये जानते हैं कैसा रहेगा आपके देश, राज्य, शहर एवं गांव का मौसम और कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम शुष्क, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देखेंगे तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान की। तो 27 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान, दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में, उत्तर पूर्वी मानसून जल्द लेगा विदाई। मौसम पूर्वानुमान है दोस्तों स्काईमेट वेदर से, जो कि एक मौसम विभाग की प्राइवेट संस्था है जिसके द्वारा मौसम पूर्वानुमान जताया जाता है। दोस्तों उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत की बात करें तो इस समस्या का जो है निदान अब जल्द होने वाला है। किस समस्या का, यानी कि जो मौसम सिस्टम परिवर्तन हो रहा था बार बार, इसमें जो है जल्द ही परिवर्तन होने वाला है और जल्द ही एक नया परिवर्तन लोगों को देखने को मिलेगा। इस समय एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू व कश्मीर में पहुंच गया है और इस सिस्टम के कारण जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों में छिटपुट हलचल हो सकती है। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शुष्क मौसम जारी रहेगा। अब न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है और दिल्ली प्रदूषण ने एक बार फिर वापसी की है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में जा सकता है। मध्य भारत की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि इन इलाकों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की वजह से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। अब बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में जहां इस समय मौसम में कोई हलचल फिलहाल नहीं है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्का कोहरा छाया रहने की संभावनाएं हैं। बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में दोस्तों मौसमी गतिविधियां कमजोर हो गई है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों यह था संपूर्ण भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी भारत का मौसम पूर्वानुमान। आप जिस क्षेत्र में आते हैं उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शहर, गांव या क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। तो यह था लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का जो कि अभी जारी हुआ था। तो इसी प्रकार के देश में तमाम अपडेट एवं अलर्ट न्यूज को तुरंत प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नवसर इंडिया न्यूज को और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप अपडेट रहे देश में तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।